खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं, रूबिका लियाकत। 9:30 बज रहे हैं और अब जो खास पेशकश आपके सामने आने वाली है वो आपसे ताल्लुक रखती है, बिल्कुल डायरेक्टली आपसे जुड़ी हुई खबर है। हो सकता है आप में से कईयों के हाथ में अभी पानी का ग्लास हो, पानी की बॉटल हो, या फिर आपको प्यास लगी हो, तलब लगी हो पानी की। लेकिन सोचिए 10 साल बाद क्या होगा। देश के कई इलाकों के लोग इस तपती गर्मी में पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। घंटों पैदल चलने के बाद उन्हें जो पानी मिल रहा है वो भी साफ नहीं है। पिछले साल जून में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक अगर अब भी हमने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो 2030 आते आते देश की 40% आबादी को पानी मिलना दूभर हो जाएगा। एबीपी न्यूज प्यास से बेहाल हिंदुस्तान की तस्वीर दिखाने के साथ एक ऐसे देश का हाल भी आपको बताएगा जिसने अपने हर नागरिक तक साफ पानी पहुंचाने का दावा सच कर दिखाया। पानी के लिए तरसते लोग, पानी के लिए जूझते लोग, एक घूंट पानी के लिए मीलों दूर चल के जाना, एक वक्त की प्यास बुझाने के लिए पूरे दिन पसीना बहाना, ये उस भारत की तस्वीर है जो अंतरिक्ष में नए नए कीर्तिमान बना रहा है। ये उस भारत की तस्वीर है जो दुनिया के ताकतवर मुल्कों को अर्थव्यवस्था में टक्कर दे रहा है। ऐसे भारत में जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो हर सपना और हर उम्मीद बेमानी नजर आती है। अब जरा इस रिपोर्ट पर गौर कीजिए। नीति आयोग 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत इतिहास के सबसे बड़े पानी संकट से गुजर रहा है। पानी की किल्लत से जूझ रही है देश की 6 करोड़ आबादी। भारत में दूषित पानी पीने से हर साल 2 लाख लोगों की मौत। भारत का 70% पानी अब पीने लायक नहीं। 2030 तक भारत की 40% आबादी को नहीं मिलेगा पानी। ये खौफनाक आंकड़े जून 2018 में सामने आए थे और इस साल तेज गर्मी से बेहाल दूर दराज के गांवों में पानी की जैसी किल्लत हो रही है उससे साफ है कि पानी की समस्या पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। मान लीजिए आपके बीकर में पानी है और आप पानी निकाल रहे हैं तो सॉल्ट रह जाएगा। वैसे ही है अगर आप पानी ना डालें इसमें तो, अगर ओवर एक्सट्रैक्शन होता है तो इसका क्वालिटी भी खराब होने का चांसेस है। तो हमारे जो पूरे कंट्री में अभी बोथ की ग्राउंड वाटर नीचे भी जा रहा है और फिर ख़राब भी हो रहा है, तो इसके कारण ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के क्वालिटी में काफ़ी हद तक मतलब गिरावट आई। पानी की त्रासदी तो आप पिछले कई साल से देख रहे हैं, लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस मुल्क की तस्वीर जिसने तमाम मुश्किलों को दरकिनार कर अपने हर नागरिक तक पीने लायक पानी की पहुंच को आसान बना दिया है। ये छोटा सा देश है सिंगापुर। सिंगापुर वाटर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे ऊपर है क्योंकि वो अपने नागरिकों को सबसे साफ पानी मुहैया करवाता है, जबकि उसके पास भारत जैसा नदी का कोई प्राकृतिक साधन मौजूद नहीं है। सिंगापुर में भारत की तरह नदियों का जाल भी नहीं है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सिंगापुर ने कैसे अपने यहाँ पानी की समस्या को दूर कर लिया, जबकि भारत में हर साल पानी की कमी से या फिर खराब पानी पीने से लाखों लोग मर रहे हैं। आयरनी यह है कि हम अपने वाटर रिसोर्सेज को पॉल्यूट कर चुके हैं। सहार से रियलिटी अगर देखा जाए तो देश में आज भी लगभग नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मोर देन 100 मिलियन पीपल आर वाटर स्केयर्स। देर आर टू चैलेंजेस, वन इज वाटर स्केयरसिटी, अनदर इज पुअर वाटर क्वालिटी। तो दोनों चैलेंजेस को एक साथ हैंडल करने की जरूरत है। हिंदुस्तान के कई इलाके आज भी सूखे और अकाल की मार झेल रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जो 3 तरफ समुद्र से घिरा है और 1 तरफ पहाड़ से। देश भर में नदियों का जाल है। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जिस देश में पानी के इतने संसाधन मौजूद हों वहाँ पानी की दिक्कत
कैसे हो सकती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की जल वैज्ञानिक सुष्मिता के मुताबिक हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों को खुद ही इतना गंदा कर दिया है कि अब प्राकृतिक जल स्रोत से मिलने वाला पानी हमारे पीने लायक नहीं रहा। यानी हमने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। बिना सोचे समझे लोगों ने सालों तक पानी दूषित किया और अब मौजूदा पीढ़ी उसका खामियाजा भुगत रही है। जैसे हमारे टंकी होती है घरों में, तो नेचर के पास भी ये टंकी होते हैं जिसको एक्वीफर बोलते हैं, और ये किलोमीटर के ऊपर किलोमीटर चलता रहता है, बहुत बड़ा होता है। तो अगर हम लोग गंदा पानी नीचे कर दिया, वो ग्राउंड वाटर के अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो ये बह के कहीं भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है इसका ज्योमेट्री क्या है, इसका नेचर क्या है, किस तरफ फैल रहा है। तो ये आसपास के गाँव या जो भी सेटलमेंट है उसमें ये ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर काफी असर करते हैं, अगर वो लोग ग्राउंड वाटर से पानी पी रहे हैं तो। पानी पर नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक वाटर क्वालिटी इंडेक्स की 122 देशों की सूची में भारत का स्थान 120वां है। यानी दुनिया के सिर्फ दो मुल्क ऐसे जहां के लोगों को हमसे भी खराब पानी मिलता है। दुनिया के 119 देशों में नागरिकों को पीने के लिए हमसे साफ पानी मिलता है। खराब पानी पीने से इंसान किस कदर लाचार हो सकता है, इसकी एक वानगी दिखती है देश की राजधानी से चंद किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के सैदुल्लापुर गांव में। ग्रेटर नोएडा के सैदुल्लापुर गांव को कैंसर विलेज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां पर रहने वाले ज्यादातर लोग कैंसर का शिकार हो चुके हैं और इस कैंसर की वजह है यहाँ का पानी। लोगों का कहना है कि यहाँ जमीन का पानी इतना प्रदूषित है कि इसे पीने के बाद इस गाँव के ज्यादातर लोग कैंसर की गिरफ्त में आ चुके हैं। गांव की गलियों में घूमते हुए हमें कई ऐसे हैंडपंप दिखे जिसके आसपास की धरती बिल्कुल सूखी दिखी। साफ है कि लोग इस हैंडपंप से पानी नहीं लेते। वजह पूछने पर पता चला कि हैंडपंप से पानी नहीं बल्कि कैंसर की बीमारी निकलती है। इस गांव में पानी की प्रॉब्लम से तो काफी लोग जूझ रहे हैं और कैंसर की बीमारी से कम 30-35 मौतें हो चुकी हैं यहाँ पे। और 2-3 बारिश नल का चेक भी हुआ पानी, मगर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब भी मेरे विचार से तो इस गांव में 10-12 लोग जो अब भी लीवर कैंसर से पीड़ित हैं। दूषित पानी ने इस गांव के कई लोगों की जिंदगी खराब कर दी, कई परिवारों को जिंदगी भर तकलीफ देने वाला दर्द दे दिया। जिंदगी देने वाला पानी अब कई लोगों को धीरे धीरे मौत की ओर खींच कर ले जा रहा है। बुजुर्ग शिवपाल कैंसर की वजह से साफ नहीं बोल पाते, लेकिन इशारों में उन्होंने एबीपी न्यूज से अपना दुख साझा किया। कैसे हुआ आपको कैंसर की दिक्कत? पानी पीने से, पानी खराब है। पानी खराब है और भी बहुत सारे लोगों को ऐसी बीमारी हुई है। मर गए बहुत तो। ये शायद कैंसर के चलते ये बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि पानी के चलते इनकी ये स्थिति हुई है। फिलहाल इनको कैंसर हो चुका है और ये अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस गांव में रहने वाले जयकरण का लीवर पानी की वजह से खराब हो गया है। अब हर महीने उनके इलाज पर हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं। डॉक्टर ने बोला पानी की वजह से हुई है, इसका 4 महीने इलाज चलेगा। तो आपकी तरह कितने लोग हैं इस गांव में जो इस तरह की बीमारी से पानी के चलते प्रभावित हैं? इससे कम से कम 50 लोग हैं। एक के बाद एक जब इस गांव के लोगों की बीमारी की खबरें सामने आई तो लोगों ने हैंडपंप, कुएं या तालाब का पानी इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। अब बोतल बंद पानी से ही हर काम होता है, जिसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पानी के चलते हुए गाँव में लीवर के कैंसर से, पानी में ऐसे संक्रमण इकट्ठे हो गए हैं, उनसे करीब 10-20 तो बीमार हैं, रोगी यहाँ हैं कैंसर और लीवर के। एक तरफ भारत का गांव सैदुल्लापुर है तो दूसरी तरफ सिंगापुर। सैदुल्लापुर के लोगों को आज भी साफ पानी पीने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो दूसरी तरफ सिंगापुर ने अपने हर नागरिक तक साफ पानी पहुँचाने के दावे को सच कर दिखाया है। एक वक्त था जब सिंगापुर भी पानी के लिए अपने पड़ोसी मुल्क मलेशिया पर निर्भर था, लेकिन जब जरूरतें बढ़ने लगी तो सिंगापुर ने खुद अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया और फिर कुछ ही सालों में वो पानी के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया। सिंगापुर में पानी के लिए सख्त कानून है,
यहाँ एक भी बूंद पानी बर्बाद नहीं किया जाता है। वहाँ लोग सीधे नल से पानी लेकर पी लेते हैं। सिंगापुर में गंदे पानी को रिसाइकिल करके भी इस्तेमाल किया जाता है। सिंगापुर को अपनी नीड पूरी करने के लिए वाटर को रिसाइकिल करके उसे ड्रिंकेबल बनाना पड़ता है। जल प्रबंधन सिंगापुर का इतना स्ट्रांग है कि वहाँ पे घर में वाटर का कंजम्पशन कम हो, उचित हो, उसके लिए इस तरीके के टैप्स डिज़ाइन किए जाते हैं। वहाँ पे वाटर मीटरिंग करी जाती है, लोगों को वाटर के लिए जागरूक किया जाता है। जबकि भारत में इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद आप देखते होंगे कि किसी घर में कभी 2 घंटा पानी आ रहा है, किसी घर में 1 घंटा पानी आ रहा है, कहीं पर पानी की सप्लाई तक नहीं है, लोग पानी के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं। सिंगापुर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक शैलेश खड़कवाल ने भारतीय घरों में लगने वाले आरओ सिस्टम पर भी सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक आरओ सिस्टम लोगों को बीमार कर रहा है और इससे पानी की बर्बादी भी बहुत होती है। भ्रांति ये है कि रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम आरओ टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है, उसके द्वारा ऐसा समझा जाता है कि ये हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, जबकि ऐसा नहीं है। आरओ टेक्नोलॉजी एक उस जगह पे एक बेहद कारगर सॉल्यूशन है जहाँ पे आपका वाटर बहुत ज़्यादा सेलाइन है, जैसे कि सी वाटर। आरओ टेक्नोलॉजी का जो यूज़ हुआ था वो सी वाटर को ट्रीट करने के लिए हुआ था, जबकि ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा टीडियस नहीं है, तो वहाँ पे आरओ टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस पर्टिकुलर केमिकल को ट्रीट करने के लिए किसी टेक्नोलॉजी का यूज लाने का जरूरत है। पानी की कमी और दूषित पानी से बीमारियों के शिकार होने वाले लोगों का आंकड़ा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत के 21 बड़े शहरों की जमीन के नीचे का पानी खत्म हो जाएगा। इनमें चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर शामिल हैं। भारत के 75% घरों में 24 घंटे पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। गांव के 84% घरों तक पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंची है। यही वजह है कि आज भी देश के ग्रामीण इलाकों में पानी भरने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसके बाद भी उन्हें साफ पानी नसीब नहीं होता। देश में आखिर जब पानी के पीने की इतनी समस्या है तो इसकी जांच क्यों नहीं होती? ये समझने के लिए खाने पीने की सामानों की जाँच करने वाली संस्था से हमने RTI के तहत ये सवाल किया कि आखिर देश भर में उसने पानी के कितने नमूनों की जांच की। जो जवाब आया वो हमें चौंकाने के लिए काफी था। FSSAI ने 5 साल में दूध के 25,895 सैंपल की जांच की और पानी के महज 2,198 सैंपल की जांच की, यानी एक साल में औसतन 440 सैंपल की जांच हुई। भारत के बारे में कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर पानी, यानी यहाँ कुछ ही किलोमीटर के फासले पर पानी का मिजाज अलग हो जाता है। यहाँ एक साल में सिर्फ 440 सैंपल की जांच करके FSSAI ने अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी पा ली। देश में सैदुल्लापुर जैसे कई गांव हैं जहाँ पानी पीने लायक नहीं हो, लेकिन ना तो वहाँ के लोगों को इसकी जानकारी है और ना ही उन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है। यही वजह है कि लोग पानी की जबरदस्त किल्लत से जूझ रहे हैं और जो पानी पी रहे हैं वो उन्हें गंभीर बीमारियों का शिकार बना रहा है।